हर साल करीब 50,000 से ज़्यादा टू व्हीलर्स पर चलने वाले लोग सड़क दुर्घटना में इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो हेलमेट्स नहीं पहनते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जो कि सड़क पर लोगों के लिए एक फरिश्ता बनकर निकले हैं, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल संदीप शाही। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल संदीप शाही जो कई वर्षों से हेलमेट बांटने के अलावा तरह तरह की एक्टिविटीज के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। देश के सिपाही की मेहनत और जज्बे को हुंडई इंडिया सलाम करता है और आपके सामने पेश करता है बी द बेटर गाय सीरीज का उभरता सितारा संदीप शाही। कौन बोला हमसे ना हो पाएगा, कौन बोला सड़क की सुरक्षा की, जीवन की रक्षा की, हेलमेट की, सीट बेल्ट की नियम अगर अपनाएगा जीवन खुशहाल बन जाएगा। बात मेरी मान, सुरक्षा को जान, तू बात मेरी मान, नहीं तो तेरा टाइम आएगा। जय हिंद, मैं संदीप शाही, मैं दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हूँ और मैं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए कार्य करता हूँ। मुख्य रूप से हेड इंजरी को रोकने का प्रयास है जो मैं हेलमेट के माध्यम से करता हूँ। मैं अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह या रक्षाबंधन या दूसरे अन्य त्योहारों पर मैं अपने कोई पार्टी सेलिब्रेट नहीं करता, उस बचाए हुए पैसे से मैं कुछ हेलमेट परचेज करता हूँ, उन बाइकर्स को हेलमेट पहनाता हूँ जो विदाउट हेलमेट होते हैं और उन्हें आगे की सुरक्षित यात्रा के लिए मैं जागरूक करता हूँ। ये मेरा प्रयास है, ये मेरी छोटी सी कोशिश है। ।2014 में एक ट्रक चालक की लापरवाही से मैं सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। मुझे मेरे हाथ पैर में चोटें आई, सिर में भी चोटें आई, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से आज मैं आपके सामने सुरक्षित हूँ। परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे दिल को काफ़ी चोटें आई। मेरे मन में ये एक ऐसा संकल्प आया कि अगर पुलिस में रह के मैं सड़क दुर्घटना के लिए कुछ ना नहीं कर पाया तो मेरा पुलिस में होना बेकार है। नॉन आईएसआई हेलमेट जिसे कैब कहते हैं, दिल्ली शहर में बहुत सारे बाइकर्स या पीछे बैठी हुई सवारी कैब का प्रयोग करती है जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, वो सुरक्षा भी नहीं देता, उसका चलान भी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस और BIS स्टैंडर्ड हेलमेट पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। BSI हेलमेट की पहचान होती है कि पीछे IS 4151 नंबर मेंशन होता है और इसे ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड हेलमेट कहते हैं जो आपकी सुरक्षा भी देगा और दुर्घटना के समय एक कवच के रूप में आपका काम करेगा, जिसे मैं मस्तिष्क सुरक्षा कवच कहता हूँ। एक शादी समारोह में दुल्हा दुल्हन को मैंने उपहार में हेलमेट दिया था और एक महीने के बाद ही उस दुल्हे राजा का मेरे पास फोन आता है कि दोस्त आज आपके दिए हुए हेलमेट से मेरी जान बच गई, क्योंकि गाँव में मुझे एक ट्रैक्टर वाले ने हिट कर दिया था, मेरे हाथ पैर में तो चोटें आई लेकिन सिर की गंभीर चोट से मैं बच गया। और थैंक्स संदीप आपके इस मुहिम के लिए, थैंक्स संदीप आपके इस उपहार स्वरूप हेलमेट के लिए। जो लोग नॉन ISI हेलमेट पहने होते हैं उन्हें डिवाइडर से तोड़ कर दिखाता हूं कि ये कैप आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। साथ ही साथ में कई बार लोगों को मैं आईना दिखाता हूं। बाइक चालकों के अलावा कार चालक, बस चालक या दूसरे अन्य चालकों को भी मैं सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों पालन करने के लिए निरंतर जागरूक करता हूं। जैसे कि कार चालकों के लिए कि हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, पिछले बैठी हुई सवारी भी सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ओवर स्पीड में वाहन ना चलाएं, अपने वाहन में फायर एक्सटिंग्यूजर आग बुझाने का जो यंत्र रखें, क्योंकि आजकल कारों में आग जलने की बड़ी घटनाएँ हो गई है। कार के जो कांच हैं, शीशे हैं, वो लॉक हो जाते हैं और उसमें आग से मौतें होने की काफ़ी सारी घटनाएं भी सामने आने लगी। दिल्ली शहर में बहुत सारे टू व्हीलर बाइक चालक, स्कूटी चालक ऐसे कैब का प्रयोग करते हैं। इस कैब का से ना ही सुरक्षा हो पाएगी और ना ही इसे चलान से बच पाएंगे, तो ऐसे कैब का प्रयोग ना करें। चाहे पीछे बैठी हुई सवारी भी ऐसे कैब का प्रयोग ना करें। बहुत सारी महिलाएं
बाइक या स्कूटी पे पीछे बैठकर ऐसे ही टोपी नुमा हेलमेट पहनती है और ये कहती है कि हेलमेट पहनने से बाल बिगड़ जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि हेलमेट पहनने से बाल बिगड़ भी जाएं तो संवर जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी बिगड़ गई तो संवरने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने, कैप ना पहने। साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल हेलमेट भी बिल्कुल बाइक पे अलाउड नहीं है, इसका चलान भी है, इसका प्रयोग ना करें। क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाला हेलमेट बाइक पे अलाउड नहीं है, इसका चलान भी होता है और ये सुरक्षा दृष्टिकोण से भी कारगर नहीं है। बाइक चलाते समय, क्रिकेट खेलते समय आप ज़रूर पहने। साथ ही साथ में हेलमेट कैसे होने चाहिए, तो ISI मार्क BIS स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हेलमेट पहने, जिससे आपकी सुरक्षा भी होगी, आपकी यात्रा सुरक्षित भी बनेगी और आपका जीवन भी खुशहाल होगा, अपना देश भी खुशहाल होगा। और BIS स्टैंडर्ड हेलमेट की पहचान क्या होती है कि उसके पीछे IS 4151 मेंशन होता है। एक अच्छा इंसान बने, बी द बेटर गाई।